हसदी वे हसदी जुगनी हसदी वे हसदी के दिल विच बसदी। ये देखो हमारी ट्रेन में हम लोग स्टेशन आ गए, 10 मिनट के ऊपर रुकती नहीं है, इतना मान उतारने के समय लगता है, इसमें पहले मान उतारा। अभी हमारे डब्बे में ऐसा लग रहा है जैसे बम है, तो पता नहीं क्या चीज बज रही है, लगातार बज रही है 2-2.5 घंटे से। और वो बड़ी कोशिश कर चुके हैं, और वो भैया जो बैठे हैं सामने रेड टी शर्ट में, वो अभी रेलवे पुलिस को फोन कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, तुम सो जाओ, चेकिंग करने आए, जब फट जाएगा तो देखा जाएगा, फिर कौन देखेगा, तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे। हम लोगों की नींद हराम हो चुकी है, रात के अभी 12 बज रहे हैं और सब है टेंशन में, कुछ सो रहे हैं कुछ परेशान है। देखो भैया हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी वो भैया ऑलरेडी पुलिस में है। अभी नहीं बज रहा, अब नहीं बज रहा, देखो ध्यान रखो। देखो हमारे यहीं बज रहा है, जहाँ हम लोग बैठे हैं यहीं पे बज रहा है। उनके पास ही कौन सा, अगर जो स्पोर्ट वाले होंगे उनके पास कौन सा ऐसी सौदा। अभी नहीं बज रहा, 11 बज रहे, 11 बजने के बाद में टीटी आ जाएगा तो जब बता 11 तक। अरे एक बार तो दो बार आए, वो एक कह रहा मैं एसी का हूँ, दो तो पूछ लिया अभी। क्या हम लोग खाना वाना खाकर जब हम लोग वहाँ बैठे थे ना, उस टाइम से ही आ रही है ये, जब से बड़बड़ कर रहे हैं। ये कौन फोन बज रहा है? हाँ, उठा क्यों नहीं रहे? ये सो रहे क्या? ये बहुत देर से बड़बड़ कर रहे हैं, बहुत देर से हो रहा है, 9 बजे के करीब से हो रहा है ये, 3 घंटे हो चुके हैं उस चीज को। कहा कि ऐसी बड़बड़ कर रहे होंगे, ध्यान कुछ दिया नहीं हमने, रेलवे का होता है यार। अब नहीं आ रही शायद आवाज। अब नहीं आ रही, हम लोग घबरा रहे हैं। मम्मी मुझे कह रही है तुम मुझे ले रही है बैठ के। मैं मजे नहीं ले रही, मैं देख रही हूँ ऊपर बैठकर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ बम ब्लास्ट होने वाला है नहीं पता, देखते हैं। सब सोते उठ गए, सब सो के उठ चुके हैं और बैग चेक हो चुके हैं। अभी तो एक भैया ने, मैं अपनी जगह से नहीं ली, सच में नहीं ली, देखी जाएगी जो कुछ होगा, आराम भरोसे छोड़ दिया हमने। एक ही सीट के पास है, सीट नंबर 5556। हाँ, अलार्म नहीं है, अलार्म होता तो हम समझ जाते हैं। जैसे आप कॉलिंग बेल ना हो, जिसने फोन किया ना, कॉलिंग बेल जाके बोलना है। लेकिन इस वक्त बंद है, बता दीजिए कि सीट बंद हो गया। नहीं, वो गाड़ी कलर हमें नहीं दिख रहा है, सीटों के नीचे ढूंढ लिया है, पहले लगा कि किसी का फोन बज रहा है। वो लोगों मशीन रहती है, वो फटाफट चेक करेंगे तो मेरा नाम महेंद्र कुमार, अपने मन को तसल्ली हो जाएगी, समझे क्या? ऐसे नहीं आएंगे, उनको आना जरूरी है। मैं भी पुलिस में जॉब करता हूँ, मैं पुलिस में जॉब कर रहा हूँ, पर मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए काफी देर से बज रहा, कुछ गलत चीज ना हो तो आके देख लेगा। रजिस्टर कर दो, भेज दो कोई जो इसका, क्योंकि टीटी स्पोर्ट वगैरह कोई इधर को आया ना, जो स्पोर्ट होगा स्पोर्ट को भेज दो, जो ट्रेन का स्पोर्ट हो। ठीक है, अच्छा, ओके ओके, हाँ कर दो। जैसा तुम लोग कन्याकुमारी तक जाना है, तसल्ली हो जाएंगी, हिंदा सकेंगे आप। ध्यान पूरा उसी पर आ रही थी, जब से आओ ये बाजू में क्या बोले, इधर ही बता रहे हैं यही आ रही है, यही लाइट चालू करो, इसका एक जैसे हैंड फ्री नहीं करो, लाइट चालू करो, हां करो, लाइट चालू करो, लाइट चालू करो, लाइट चालू करो, चालू करो, रुको रुको रुको, कहाँ से आवाज आ रही? चल बुआ, दो घंटे सोए नहीं। अरे वो खिलौने वाला गया, वो तो नहीं है। अरे बाबा, हम ही जब से यहाँ ये कर रहे हैं, आवाज कहाँ है? क्या बोला? 2 घंटे से आवाज आई थी, हम वहाँ से उठ के वहाँ बाहर गए, तो कहाँ आवाज आ रही? यही आ रही थी, आंटी को पूछो, यही आ रही थी, यही
उठ जाओ यहाँ से सब लोग। हेलो ये मैडम बाहर जाओ, बाहर जाओ डॉक्टर चेक कर लो, तुम भी उठ जाओ। दो घंटे से बज रही है, चेक करने वो इधर है। ये देखो फोन किसने किया था आपने? मैंने किया। कहाँ से आए? यहाँ से, यहाँ से नीचे से आवाज, यहीं से आ रही थी नीचे से, यहाँ से बंद है। दस बीस पच्चीस मिनट पहले से बंद है। यही से आ रहा थी ना? हाँ जी। अब हम सोए छोटा फूल आवाज पोस्ट मकनपुर थाना रुपैडिया पूरा एड्रेस मकनपुर थाना रुपैडिया रुपैडिया तहसील नाम पारा हाँ रुपैडिया मौजा कल्याण पूरा खोलो उसको बैग। मोबाइल नंबर तो भाई इकड़े पास पर तुम मोबाइल नंबर सर ये लाल वाला बैग आपका है क्या? ये कौन सा फोटो डॉक्टर? ये लाल वाला देखो यहाँ के बैग चेक कर लो। नहीं ये ऊपर के बैग भी चेक कर, इधर नीचे में दिखले वाले इसके नीचे में सब सामान ही निकाल दे सर। क्या बाहर निकालना पड़ेगा भाई? नहीं सर बैग में से नहीं आ रहे, बैग में से ये सीट के नीचे से आ रहा है। इससे कोई मतलब नहीं, सीट के नीचे से आ रही। हाँ सर कोई सामान नहीं है नीचे, कोई मतलब नहीं। तो हमने चेक कर लिया ओपन करके। एसी भी करो, एसी भी करो, एसी भी, एसी भी करो, एसी भी करो। चेन खींचो ना, खींचो खींचो उसको खींचो। चले क्या? ए सी पी करना, उधर उधर से आगे इधर, ये इधर है, ये इधर है। जल्दी खींचो, जल्दी खींचो। ये तुम लोग कहाँ जा रहे? कहाँ से बैठे तुम लोग? झांसी से बैठे। क्या करते हो तुम लोग? ये तुमको भर दिया क्या? अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी अगर होता है डबल क्या सर तो आगे बोलना चाहिए। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग आए, थैंक यू। किसी भी सर मोबाइल से रैंकिंग भी कर सकता है, कोई ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा हो सकता है? लेकिन दो से तीन घंटा तक ऐसा हुआ था। हम लोगों को रात अभी एकदम से नींद भी नहीं आ रही है, सोच रहे हैं कि आज क्या होने वाला था, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो कुछ भी था पुलिस ने टाइम पर आके सब चेकिंग कर ली है और सबने देखा कितने मतलब डॉग रेस्क्यू भी 3-4 डॉग आ रखे थे, पुलिस भी बहुत सारी आई थी और अच्छे से चेकिंग करके गई है। फिलहाल अभी डरने की कोई बात नहीं है हम लोगों के लिए,
पर हाँ परेशान तो सब हो ही गए थे क्योंकि रात के अभी 12 बज रहे हैं, तो फिर हम लोगों के लिए घबराने की तो बात है ही क्योंकि अकेले हम लोग लेडीज हैं सभी और घबराने वाली बात तो इसमें होती है, आप सब समझ सही सकते हैं। अब सोएंगे। बाहर कितनी भीड़ हो रही है देखो, नानी जी लाई है कसार बना के, देखो मॉर्निंग में देखो कसार पार्टी चल रही है, देखो कसार का नाश्ता मम्मी बना के लाई है हमारी ये कसार पार्टी, मॉर्निंग में कसार पार्टी चल रही है, नानी जी लाई है बना के। नहीं मैं यूं ले लिया भाई, इतना प्यार। देखो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, और हम लोगों की दिल्ली में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, बट हम लोग ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो चुके हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सफर इतना लंबा है, बहुत ज्यादा है लंबा, दो दिन मायने होता है, दो दिन सफर करना ट्रेन का। चलो कोई बात नहीं, बोर नहीं, वैसे बोर हो चुके हैं बट हम लोग मौज मस्ती करते हुए जा रहे हैं। घर की आदत तो घर की आदत होती है, हम लोगों को घर में मौज मस्ती करने की आदत है, इसलिए अभी हम लोगों को ट्रेन में बोरिंग मूड हो रहा है। ऐसे तो हम लोग मजाक मस्ती करते आए हैं पर फिर भी, और शक्ल के 12 बजे हुए हैं देख सकते हो, बिना नहाए धोए बिना फ्रेश हुए शक्ल के 12 बजे हैं, और ट्रेन में लाइव लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है लाइव लेना, क्योंकि हम लोगों को जहाँ नेटवर्क मिल रहे हैं वहीं से लाइव आ रहे हैं। हमने तो वादा किया था लेकिन हम उस वादे को भी पूरा कर रहे हैं, अपना ऑन टाइम 8 बजे वाले लाइव नहीं आ पा रहे हैं बट फिर भी जैसे टाइम मिल रहा है वैसे लाइव आ रहे हैं। आप सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए पहुँच जाएंगे बीच की मजामल को, देखते रहिए। आज आप लोग ब्लॉग देख चुके होंगे, हमारा फर्स्ट ब्लॉग आ चुका है ट्रिप स्टार्टिंग का, जहाँ से हम लोग घर से निकले और ट्रेन के सफ़र तक का। अब आप लोगों को आज की फिर से हमारी ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी, और मॉर्निंग में कल हम लोग 4:30-5 बजे तक पहुँचेंगे अगर ट्रेन ऑन टाइम रही तो। कल रात एक सस्पेंस था जो हम लोगों को बहुत मतलब बेचैन करने वाली बात थी, बट हम लोगों ने पुलिस को बुलाया तो फिर सब कुछ सॉल्व हो गया। पुलिस अपने बिल्कुल टाइम पर थी, जैसे हमने यहाँ से कॉल की थी पुलिस टाइम पर आई थी और हम लोगों की अच्छे से हेल्प करके गई। आप लोग वीडियो में देखना कैसे पुलिस का पूरा स्टाफ आया था, पर लेकिन देखो जो होनी है उसे कोई नहीं डाल सकता, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने पुलिस की सहायता ली और पुलिस ने हमारी अच्छे से हेल्प की। तो चलिए, आई होप आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, ऐसे हमारे ब्लॉग्स वॉच करते रहिए, वीडियोस को वॉच करते रहिए, प्यार देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, जैसे जैसे जो भी हमारी जर्नी में आ रहा है हम सब कैप्चर कर रहे हैं, आप सबको दिखाई रहे हैं। अभी ट्रेन हमारी चेन्नई फोर्ट स्टेशन पर पहुंचने वाली है, तो देखिए बेचारे भी मेरी वजह से रह गए, मित्रा फोर्स किया, हम आए हुए चलो वहाँ चलते हैं
भाभी देखने की जगह में मेरा तेवर था मेरे साथ में तम चलेगा मैं रूम में लोग कर जाऊ मेरे पेट में चक्कर आ रही है तो कैसे कैसे भाई तू जिम्मेदारी हमारी तक हम रुक के नहीं जा सकते हमारे साथ मास्टर और उसकी पत्नी भी आई थी हेलो 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 आ जाओ पैर खोल लेंगे आ जाओ जल्दी आ जाओ कितनी देर रुक सकती है 10 से 5 मिनट ऐसे come on guys जल्दी आ जाओ नेक्स्ट क्या ठीक रहेगा रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा हाँ ये ठीक रहेगा हाँ ये ठीक रहेगा ये हमारे साथ बैठे हैं ये हमें नेट दे रहे हैं ये भैया हमें नेट दे रहे हैं क्योंकि इनके फोन में नेट चल रहा है ये हमें हेल्प कर रहे हैं नेट में अभी उतर गए हैं हम चेन्नई रेलवे स्टेशन पे थैंक यू भैया आप खाइए पैर खोल रहे हैं बहुत थक चुके हैं ट्रेन में बैठे बैठे ऑब्वियसली आप लोगों को फेस से पता चल रहा होगा कि हमारे फेस के 12 बज चुके हैं हाँ भैया बोलो क्या बोल रहे हो केला खाइएगा नहीं नहीं थैंक यू आप खाइए केला थैंक यू ये देखो ये केला खा रहे हैं भैया हाँ बोलो बोलो कड़ा चाल पड़ चलो 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 भाई ये नहीं बोल रही ये नहीं हिल रही कितनी देर में अच्छा फिर तो चाय चाय भूखी पार्टी फिर से खाने में ध्यान हमारा और अब है चेन्नई की इडली वड़ा और सांबर पूनम मौसी को मत छोड़िए पूनम मौसी को भी देखिए यस आपको पसंद है ना है मौसी जी पसंद है ना आपको नहीं पसंद नहीं है फिर भी हम खा लेते हैं अच्छा छोड़ते किसी चीज को नियम सारे है ना Yeah.
अच्छा, ये मेरे न्यू सब्सक्राइबर है और मुझे ट्रेन में मिली है, इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो सब आप इनसे भी मिलिए, ये भी मेरे न्यू फैमिली मेंबर्स हैं, इनको जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही हमारी लाइफ में आया करेंगी। देखो मुझे ट्रेन में भी कितना प्यार मिल रहा है, जैसे आप लोग प्यार मिले हैं ऐसे ही मुझे ट्रेन में प्यार मिल रहा है, तो थैंक यू क्योंकि मेरा ब्लॉग बन रहा है, जो ट्रेन का ब्लॉग बन रहा है वो मेरा लाइव चल रहा है, ठीक है, तो जरूर आप लोग भी वॉच करना, ठीक है, कल ही आ जाएगा ब्लॉग, मॉर्निंग में 11 बजे आ जाता है, ठीक है, चलिए चलिए, हमें कन्याकुमारी जा रहे हैं, अगर हमें मिलेंगे तो इन्हें फिर से ब्लॉग में लेंगे हम, ठीक है, अभी हमारे कुछ नहीं पता, हम लोग कौन सा होटल में रखने वाले हैं, वहीं जाके होटल करने वाले हैं, तो पहले से नहीं किया हमारे ये घुमाने वाले हैं, अच्छा आपके लिए घुमाने वाले हैं, हमारे लिए हमारे साथ आ रखे हैं, एक ही पर्सन चलिए ठीक है, ओके बाय 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 मिलते हैं, ये बहस चल रही है यहाँ, करो करो बहस करो। हेलो भैया, कहाँ से हो आप? दिल्ली से, कौन सी जगह से? नोएडा से। अच्छा, नोएडा सेक्टर से कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही घूमने। अच्छा, ऐसे ही घूमने जा रहे हो, ठीक है, ओके। ये हमारे एक और न्यू सब्सक्राइबर है जो लाइव में अभी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी, वेलकम जी, वेलकम। ये देखिए, ये देखिए हम लोग अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और उतर चुके हैं, देखिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, देखो 180 जनों की है भीड़, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4, ट्रेन बिल्कुल करेक्ट टाइम पे वो है अपने, हम लोग उतर चुके हैं, देखिए सब जा रहे हैं, चलिए चलते हैं हम लोग भी आगे, है ना। हेलो एवरीवन, सो गाइस गुड मॉर्निंग, कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और अभी सब होटल की तरफ जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं होटल की तरफ, मिलते हैं सीधा होटल पहुंच कर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ऑन टाइम है, बिल्कुल बिल्कुल 4 बजे करेक्ट ऑन टाइम पर पहुंचाया है हमें ट्रेन में। ये देखो पूरा गांव का गांव उठ कर आ रहा है, पलटन आ रही है पूरे गांव की, कन्याकुमारी। अब देखो तुम ध्यान से देखो, जोड़े गांव की तरह जोड़े था रखे गति, अरे यहाँ थी हमारी रेल, तो हमने कर दिया है बाय बाय इसको, अभी 1-2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बाय किया है, फिर 2 दिन बाद दोबारा ट्रेन में बैठेंगे, और मेरे तो कितना भारी बैग दे रखा है देखो, दो सौ बैग
मेरे बेटे ने बोला है काम करवाया करो इससे, बहुत खाली रहती है तू, बहुत मस्ती मारती फिर रही है। ये मेरे हाथ में, इसको भी टांगूंगी अभी तेरे ऊपर, रुक जा। और क्या, एक काम मिल रहा है देख लो। कहाँ रहेगी? ये देखो, अभी सभी ऑटो बुक कर रहे हैं, अपने अपने ऑटो रिजर्व करो और पहुंचो होटल। देखो हम ही है सिर्फ, पूरे स्टेशन पे हंगामा उठा रखा है महिपालपुर पार्टी ने। अभी हम पहुंचे हैं अपने होटल, स्वागत हमारा रिसेप्शन पॉइंट। देखिए सब थकान 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 चेहरे पे, कैसी थकान। अभी नहाएंगे, फ्रेश होंगे, जब आएगी फीलिंग बढ़िया वाली हमारे फेस पे। मैं उठा लो अपना बैग, बैग कितने बड़े बड़े कटोरे में चाय पी रहे। देखो कन्याकुमारी में चाय की चुस्की और वो भी कटोरों में, इतने बड़े कटोरे। अरे मौसी जी, आपके साइज के बराबर कटोरा दिया है उन्होंने। है लाली आंटी जी, है हमारे साइज का कटोरा दिया उन्होंने, देख के देख लो। देखो कटोरे में भी चाय है पहले से ही, चाय पी लो चाय, गुड मॉर्निंग वाली चाय। कन्याकुमारी में अभी तक हमें होटल में रूम नहीं मिला है, हम बासी बासी घूम रहे हैं। मैंने पी ली चाय। आए दो घुटों में चाय करो। ठंडी है।